नमस्कार बंधु, आज का इस वीडियो में बात करेंगे फसलों में एमिनो एसिड का क्या जरूरत है उसका बारे में, और एमिनो एसिड फसलों में देंगे तो उसमें क्या होगा उसका बारे में, और एमिनो एसिड कैसे अप्लाई करेंगे उसका बारे में। मार्केट में काफ़ी सारे एमिनो एसिड मिलता है, किसी किसी प्रोडक्ट में सिर्फ एमिनो एसिड रहते हैं और किसी प्रोडक्ट में फुलबिक एसिड का साथ मिला हुआ रहता है और ह्यूमिक एसिड का साथ मिला हुआ रहता है। बात करते हैं फसलों में एमिनो एसिड का प्रभाव क्या है उसका बारे में। सबसे पहले एक है कि पौधा का प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो एसिड बहुत मदद करते हैं। पौधा में प्रोटीन संश्लेषण बहुत अच्छा से होता है तो बीज और फलों का आकार बढ़ जाते हैं, जिसका वजह से उत्पादन बढ़ा देते हैं। एमिनो एसिड पौधा का प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसका वजह से भी पैदावार बढ़ जाते हैं। खेत में पौधा है और इस समय बहुत बारिश हो गया, जिसका वजह से पौधा डूब गया है, इसमें पौधा का बहुत क्षति होता है। फसलों में एमिनो एसिड अप्लाई किया हुआ है और इसके बाद में अप्लाई करेंगे तो बहुत हद तक इसका जो क्षति है उसका रोक देते हैं और कम कर देते हैं। फसल जिस समय है, किसी किसी समय बहुत आंधी आता है और फसल को बहुत नष्ट कर देते हैं, इसमें भी एमिनो एसिड अप्लाई किया हुआ है या बाद में अप्लाई करेंगे तो क्षति को बहुत कम कर देते हैं। इसका मतलब है बारिश और आंधी से जो क्षति होता है एमिनो एसिड उसका कुछ कम कर देते हैं। बर्फ़ गिरने की वजह से भी फसल क्षति होता है और उसमें बहुत नष्ट पहुँचाते हैं। फसल में एमिनो एसिड अप्लाई किया हुआ रहेगा या बाद में आप अप्लाई करेंगे तो इसमें भी कुछ हद तक जो क्षति है उसको रोक देते हैं और कम कर देते हैं। तो एमिनो एसिड का काम इस जगह पे है। कभी कभी बहुत पेस्ट अटैक होता है, जिसका वजह से भी फसल का बहुत क्षति पहुंचाते हैं। इसका बाद में एमिनो एसिड का अप्लाई करेंगे तो उसमें भी जो क्षति है उसका थोड़ा कम कर देते हैं। तो इतना जगह पे एमिनो एसिड का काम रहता है। कभी कभी पोलिनेशन में भी एमिनो एसिड बहुत मदद करते हैं। पोलिनेशन में इसका बहुत एक रोल है एमिनो एसिड का। मार्केट में काफ़ी सारे एमिनो एसिड का प्रोडक्ट मिलता है, किसी प्रोडक्ट सिंगल एमिनो एसिड रहते हैं, किसी में मिला हुआ रहता है। तो आपका पसंद का अनुसार आप ले लीजिए और उसके बाद में आप खाद का साथ मिला के आप अप्लाई कर सकते हैं और सिंगल इसको स्प्रे करके भी दे सकते हैं। इसका बोलेंगे कि जिस समय फूल आ रहे हैं उससे पहले इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे बेटर रहेगा। एमिनो एसिड का बारे में जानकारी इतना देर तक ही है। आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका सजेशन भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो वीडियो है उसमें इसका अपडेट कर पाएँ और इसका बेहतर कर पाए हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। ज़रूर इसमें लाइक करिए।